नहीं नाम छोड़ दो तुम करो। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे वाला कर रहे हो ना बाइक के साथ। इसका जो स्पॉइलर वाला पार्ट है भाई, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, देख सकते हो भाई। और ये भाई अपना मतलब इंजीनियर है क्या? इंजीनियर है भाई, साइट पे काम था, वहाँ पे नहीं रहे तो प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज भाई टाइम हो रहा है 11:41 भाई, मैं 11:41 में उठा हूँ भाई। सोच लो मतलब कितना ज़्यादा सो रहा हूँ, एंड रात को काफ़ी लेट से सोता हूँ क्योंकि भाई ब्लॉग एडिट करना होता है एंड भाई इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह सब कुछ एडिट करना होता है। मैं सारा काम ना ऑलमोस्ट रात में ही ख़त्म कर देता हूँ, सो दैट कि सुबह उठ के भाई ये सब कुछ का टेंशन ना हो और आराम से सो पाओ। ऑल्दो मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया भाई, पता नहीं क्यों, कल ठंड भी थी बट भाई मैंने कुछ ठंडा पिया भी नहीं है भाई, एक मॉइस्चर एनर्जी ड्रिंक पिया था डैड से, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी हमारा ये प्लान है कि आज अपने वैम को निकालेंगे, वैम काफ़ी गंदी हो रखी थी लास्ट वीडियो में आपने देखा था भाई, तो अभी वैम को निकालना, वैम को वॉश करवाना है। एंड भाई उसके एक मैंने चेन लूप मंगवाई उसके लिए, क्योंकि भाई वो चेन लूप ना मतलब पूरी ड्राई चेन लूप है भाई, उसको जैसे मारेंगे ना मतलब वो पूरी की पूरी सूख जाती है और पूरे अलवाइस को भाई गंदे होने से बचा लेगी। तो अभी जल्दी से चलते हैं, उठते हैं, फ्रेश होते हैं गाइस, एंड बाइक को वॉश कराना बहुत ज़रूरी हो रखा भाई, बाइक सीरियसली बहुत गंदी हो रखी है और भाई वैसे में चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता हमारा। ऑलमोस्ट हमारे सारे बाइक्स क्लीन रहते हैं, आपने देखा होगा वीडियोस में, बट अभी भाई यहाँ पे रखी रखी साड़ी गंदी हो गई है, क्योंकि भाई रखे रखे समझ सकते हो। और बहुत लोग का क्वेश्चन आ रहा होगा अभी भी भाई मन में कि ज़ारा कहाँ है, तो पता चलेगा जल्दी से वीडियोज़ में, आज ही बता दूंगा होपफुली अगर पॉसिबल हो पाए तो। तो चलो अभी जल्दी से फ्रेश होता हूँ क्योंकि अभी जस्ट उठा हूँ, देख सकते हो हेयर भी पूरा मैसी सा हो रखा है। तो अभी जल्दी से चलते हैं एंड बाइक को निकालते हैं फ्रेश होकर, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। भाई लोग अभी प्लान में आ गए, थोड़ा सा चेंज, अभी भाई हम लेके जा रहे हैं एनएस को, ये वही एनएस है भाई जिसका भाई आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये बाइक बहुत अच्छी लग रही है। एंड अभी एक बार इसका वॉक अराउंड भी दिखा देंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बोला था लास्ट वीडियो में कि भाई एक बार एनएस का वॉक अराउंड दिखाओ एंड इस पर हाइड्रोलिक डिप जो हुई है वो सब दिखा दो, तो वो भी एक बार दिखा दूंगा। एंड अभी भी देखो प्लान तो ये था कि भाई वैम को निकालेंगे, उसकी वॉशिंग करवानी है एंड ऑल, बट उसमें चेंजेस ये आ गया क्योंकि भाई मैं कल जा रहा हूँ रांची एंड आज संडे, तो भाई सिर्फ वॉश करवाना और फिर लाकर बाइक लगा देना मतलब कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ रांची, तो भाई 4-5 दिन तक के लिए भाई मैं बाइक चलाने वाला हूँ नहीं, तो भाई घर पे लगे पड़े रहेंगे बाइक, और भाई घर पे लगे लगे फिर वो गंदे हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ यार कि इधर देखो भाई हो रहा है चलान, वाह भाई सही है, बहुत सही है, एक तो खुद पुलिस वाले ने रॉन्ग साइड में गाड़ी लगा रखा है, मतलब इनका सही, इनका कोई चलान नहीं हो सकता भाई, ये कैसे भी गाड़ी लगा दे कहीं भी लगा दे। तो मैं बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ रांची, तो भाई 4-5 दिन के लिए मैं रहूँगा नहीं, और बाइक फिर वॉश करा के फिर से लगाने पर भाई फिर से गंदी हो जाएगी, तो ये इसलिए मैंने अभी सोचा कि भाई क्यों ना बाइक को वॉश करवाएंगे वहाँ से आने के बाद ही। ऑल दो अभी अज़म बुला रहा है, तो भाई अज़म के पास जा रहे हैं, और भाई वेदर आज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब आज प्रॉपर तरीके से भाई मतलब फील हो रहा है कि भाई ठंड ख़त्म हो चुका है, बट डोंट नो भाई क्योंकि इतना जल्दी वेदर चेंज होता है समझ में नहीं आता भाई, यहाँ का वेदर कभी नहीं समझ में आता, आज इतना ज़्यादा धूप है एंड ऑल ऑफ सडन शाम तक भाई इतने ज़्यादा ठंडे हवा चलने स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो एक और चीज़ अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आज कि भाई एक हेलमेट था मेरे पास रखा हुआ, काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मैंने उसे अभी तक यूज़ नहीं किया था, एक बार ही पहना हूँ, बट शायद उसमें मैंने आज तक कोई फ़ोटोज़ या फिर कोई भी रील्स या कुछ भी स्टोरी वगैरह नहीं लगाए, तो स्टोरी शायद मैंने एक बार लगाया था बट उसके साथ मतलब कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, तो आज वो हेलमेट भी आप लोग के सामने अनवील करेंगे। एंड अभी पहुँचते जल्दी से भाई जू की तरफ क्योंकि भाई उधर ही बुला रहा है, और उधर थोड़ा लोकेशन शान शान सा होता है, ऑल्दो आज संडे है तो भाई देख सकते हो ट्रैफिक काफ़ी कम है, बाकी दिनों की तरह नहीं है अभी, क्योंकि बाकी दिन तो भाई यहाँ का जो कंडीशन हो चुका है भाई पटना में इतना ज़्यादा रश, रोड वही है भाई लेकिन गाड़ियाँ बढ़ते जा रही है कंटिन्यूसली, तो भाई इस वजह से यहाँ पे अभी हम लोग कहीं भी शूट करने के से पहले सोचना पड़ जाता है, क्योंकि भाई कहीं अच्छा लोकेशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो जल्दी से अभी पहुँचते हैं एंड उसके बाद फिर मिलते हैं आज़म से एंड आप लोग से बात करवाते हैं। ऑल्दो मैं कल लाइव आया था ऑन इंस्टाग्राम, तो भाई इंस्टाग्राम पे जो भी फॉलो नहीं किए भाई तो गाइस जल्दी जाओ, गो एंड फॉलो मी अप देन इंस्टाग्राम पे, मेरा आईडी अब स्ट्रीट बने 15 है यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे
चीज़ है जो आप लोगों को पहले अपडेट मिल जाएंगे भाई, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बता रहा हूँ, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ फॉलो कर लो, या फिर अगर कुछ मीटअप या फिर कहीं भी जा रहा हूँ मिलने का भी प्लान होता है तो भाई वो अपने इंस्टाग्राम पे हम लोग जल्दी अपडेट दे पाते, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आप लोगों को, तो इसलिए बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जाकर जल्दी से फॉलो कर लो गाइस। तो बाकी की बातें मिलते हैं आज़म से, फिर करते हैं। तो भाई लोग, अभी आज़म तो आया नहीं और हम लोग आ चुके हैं एक एमटी से लोकेशन पे रील शूट करने के लिए। एक्चुअली ये ब्रिज अभी बस नया ही ओपन हुआ है, यहाँ पे भाई काफ़ी कम क्राउड है, देख सकते हो। आपको मैं बैक कैमरा करके भी दिखाता हूँ भाई कितना कम क्राउड है यहाँ पे। ये है वो ब्रिज, देख सकते हो बहुत ही कम क्राउड है, मतलब एक दो बाइक चल रही है, देख सकते हो इधर यार। और यहाँ पे भाई दो बाइक्स हैं जिस पर हम करने वाले रील शूट। एंड गाइज, अभी मैं आपको तो भाई हेलमेट दिखाना भूल ही गया, जिस हेलमेट की बात कर रहा था मैं, जो कि ड्रैगन बॉल जी एडिशन है, मतलब बोले तो गोकू एडिशन है, तो भाई दिखाता हूँ। एंड हेलमेट बस अभी सामने पड़ा है, तो पहले कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करो हेलमेट के, एंड फिर बताता हूँ कि ये हेलमेट मतलब क्या क्या फीचर्स इस हेलमेट में एंड क्या क्या चीज़ें इस हेलमेट में दी गई है। इसका जो स्पॉयलर वाला पार्ट है भाई, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, देख सकते हो भाई इसका स्पॉयलर जो ग्रीन है, मतलब ये पूरा नियॉन फिनिश में है। एंड ऊपर भाई ये जो देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा गोकू बना है भाई। ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है इस हेलमेट का। एंड कलर टोन काफ़ी अच्छा है इस हेलमेट का। इसमें साथ में भाई सन प्रोटेक्शन ग्लास भी दी हुई है जो कि अंदर है भाई। एंड ये जो टिंटेड वाइजर है, लाइक स्मोकी ब्लैक है, नॉट टिंटेड सॉरी, तो ये भी इसमें दी गई है। तो भाई दिन में भी अगर इसे पहन के चलाओगे या रात में भी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑल्दो इसमें एंटी फॉग का पिन दिया हुआ है, मतलब पिन लॉक दिया हुआ है, बस इसमें एंटी फॉग अलग से लगाना पड़ेगा जो कि इसमें अवेलेबल नहीं था हेलमेट के साथ। तो भाई ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है अपने हेलमेट का, देख सकते हो गाइस। तो ये जो भाई इसकी मतलब ग्राफिक्स है ना, ड्रैगन बॉल जी सुपर गोकू लिखी हुई इधर, ये चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया इस हेलमेट में। एंड भाई बात करें तो इस बाइक की, ये रही एनएस लगी पड़ी जिस पे यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रो टिप की गई है बाइक पे। इस तरफ से अगर दिखाओ भाई तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, देख सकते हो यहाँ पे स्कल बना हुआ है। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है भाई बाइक के साथ हेलमेट का, काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड ये रहा भाई प्रॉपर अभी यहाँ पे हम लोग जिस लोकेशन पे शूट करे थे रील्स। तो भाई रील को जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे देखो एंड शेयर करो, सपोर्ट करो गाइस। फाइनली आ चुके बैक ऑन बाइक एंड भाई संडे देख सकते हो भाई दिन, और यहाँ पे भाई कुछ फ्रेंड लोग है भाई। तो भाई लोग इधर क्या कर रहे हो? दिखता नहीं सही है क्या भाई, मजाक है? और यहाँ हमारे मिल गए, मिल गए। और तुम कर क्या रहे हो इधर? आज सपने बेबी के साथ क्या कर रहे हो? भाई व्लॉग में ये भी जगह तेरे, कैसे कैसे फिर से बता भाई बाइक के साथ। वंस मोर पब्लिक बॉन्ड्स, वंस मोर। मैंने सीखा कहीं और से है। नहीं नाम छोड़ दो, तुम कर अच्छा ठीक है। ऐसे ऐसे वाला कर रहे हो ना बाइक के साथ, बताओ इसको कुछ मिल नहीं रहा बाइक ही के साथ? यार इसको कहते हैं प्यार। जल्दी साइलेंसर से निकलेगा, साइलेंसर से निकलेगा, किधर से निकलेगा? और ये भाई देखो इसका एमटी हिला, नया टील कलर आ गया, हिलेगा अलग लग रहा है कलर। अरे हाँ चेंज है ये वाला, पहले थोड़ा डार्क था, पहले डार्क था और अभी थोड़ा लाइट हो गया है। द आर्टिस्ट, ओके यू आर द आर्टिस्ट, गुड वर्क। चलो फिर मिलता है, लाइक ग्लव सेम 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 सेम, बस कलर डिफरेंस है। सेम सेम, ट्रेनिंग कर रहे हो ब्रो, ट्रेनिंग कर रहे हो? नहीं आपसे सीखा सब, आपके ही खेले हैं तो आपसे सीखे। अच्छा अच्छा सही। और ये कलर भाई, इस कलर, इस कलर से क्या क्या पता चलता है बताओ? स्पॉन्सर भाई फिट बर्नर स्पॉन्सर। चलो ठीक है भाई, ₹3,000 दे देंगे। वीडियो बनाने के लिए कितना लोगे ये बताओ, वीडियो में भी उसका कितना पैसा लोगे? उसका पैसा खाता में, खाता में चला जाएगा, खाता में। हाँ ऐड कर लेना, चलो चलो ठीक है। चलो भाई अभी फ्रेंड लोग मिल गए थे वहाँ पे एंड भाई अब जा रहे हैं बैक टू होम, क्योंकि भाई काफ़ी देर से हम लोग थे बाहर एंड रील्स वगैरह सब कुछ अच्छे से शूट हो गया, तो बस चलते हैं घर की तरफ एंड उसके बाद देखते फिर हो सके तो भाई बाइक लेके निकलेंगे दूसरी कोई, अभी तो कोई प्लान है नहीं निकलने का। ऑल दो तो जल्दी से पहले घर पहुँच जाते हैं एंड टाइम हो रहा अराउंड 5 PM, तो भाई मतलब समझो कि आधा दिन खत्म हो चुका है, बची भाई अब शाम, देखते हैं शाम का क्या प्लान होता है। ऑल दो संडे भाई, तो अभी तक तो कुछ प्लान है नहीं, बट अगर कुछ होता है अभी आगे तो फिर बताते हैं आप लोगों को। सो नाउ इट्स टाइम फॉर कोल्ड स्टार्ट आफ्टर भाई 3 days, और भाई बिल्कुल एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई बाइक, तो अभी इसे निकालते हैं एंड फिर मिलते हैं GoPro पे।
और ये सामने रहा आजम, एंड हम लोग आ चुके हैं सनमिट। मेरे को लगा भी तेरे को कॉल करते अभी, पता है तो आ चुके गाइस हम लोग सनमिट हॉस्पिटैलिटी, और आज यहाँ पे भाई इन लोग को देना है पार्टी। तो भाई गरीब होने वाला हूँ मैं। मेरा बॉडीगार्ड आया है क्या? मेरा बॉडीगार्ड, वेयर आर यू ब्रो? माय बॉडीगार्ड, 5000 का सामान है। थैंक यू सो मच भाई। ये क्या है बता दो इसको, बताओ इसको क्या बोलते हैं? ये है, ये है TRS, टूटता नहीं है। ये TRS है माइक के लिए भाई, क्योंकि माइक हमेशा हम लोग का टूट जाता, तो ये कनेक्टर है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो दैट की देखो, हम तो यूज़ नहीं करते, अब तो यूज़ नहीं किया। नहीं, वो यूज़ किया तो उसको कोई इशू नहीं था। अभी तुम यूज़ करके देखोगे और अभी ही लगा। बिल्कुल। अरे मेरा बॉडीगार्ड ब्रो, हेलो बॉडीगार्ड भाई, कैसे हो भाई? इतने दिन के बाद मिले तो यस, कैमरा ऑन है और तुम आज इतने दिन के बाद मिले। मेरे व्यूअर्स लोग तुमको खोज रहे हैं भाई। ऐसे क्या हो गया? फिल्म कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं, चलो तुम। अच्छा, हम तो इस वजह तुम ऐसे 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 आना का मौका है बोलने लगा। नहीं भाई, तुम भाई ना हो, मजाक कर रहे। चलो चलो गाइस ऊपर चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई आ गया है आजम, सुबह से भाई धोखा पे धोखा दे रहा है। धोखा धोखा ही दे रहा है भाई, साइड का काम समझ रहे हो ना। और ये भाई अपना मतलब इंजीनियर है क्या? इंजीनियर है भाई, साइड पे काम था, वहाँ पे नहीं रहे तो प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? और ये पीछे देखो भाई स्टोरी बना रहा है, ये जब से तो अभी तो आ चुके भाई इधर सनमिट में। एंड ये देखो भाई सब फेस क्यों छुपा रहे हो, इतना अच्छा दिखता है यार। अपना ये है, अपना ये है चार्मिंग बॉय, चार्मिंग बॉय। और गाड़ी कौन सा दिख रहा है भाई? गाड़ी दो दो दिन गाड़ी कौन सा? स्कॉर्पियो। ऐसा ऐसे क्यों दिया? वो रिमोट अलग है, बड़ा आदमी। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर, क्योंकि भाई खाना ने ऑर्डर कर दिया, बस ब्लॉग करने बाहर आते हैं। अंदर म्यूजिक चल रहा है तो भाई कॉपीराइट हो रहा अभी तो भाई, और थोड़ा सा इशू ही है बच के रहना भाई। कॉफी राइट वगैरह से तो एकदम बच के रहना, इसलिए मैं भाई अभी रिक्वेस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। इवन ड्रैग रेस भी नहीं, जरूरी है कि अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम बस सपोर्ट कर दो भाई। उसके बाद फिर तो धमाकेदार वीडियोस रेस वगैरह सब कुछ आने वाला है। आज बिल, आज बिल पता है कैसे पे करना है? वो भी बिल पे करने के लिए, तो भाई देखते हैं कैसा रहता एक्सपीरियंस। तो चलते हैं अंदर, पैसे है, पैसे पैसे रहते तो भाई इधर रहते भाई, तो कहाँ रहता है भाई? तो फिर भी अच्छा ही, ठीक है ठीक है। तो चलो फिर अभी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं क्या क्या हमने ऑर्डर किया। तो भाई लोग अभी हमारा डिनर हो चुका है और पार्टी भाई मैंने सबको दे दिया। अगली बार भाई बोलना मत के 500 लिखे, दूसरा पार्टी मिलेगा, दूसरा मिलेगा वो जो आने वाला चीज का पता है। तो सस्पेंस है थोड़ा, अभी थोड़ा स्कॉर्पियो का राइड लेते हैं भाई। कौन सा वाला भाई? स्कॉर्पियो का मालिक है, S5 है। तो भाई ये लगी पड़ी है भाई की स्कॉर्पियो, और चलो अब इसका लेते हैं राइड। भाई ये तो बिल्कुल न्यू है ना अभी भाई, सीट से प्लास्टिक भी नहीं हटी है। सब लोग आ जाओ भाई, क्राउन लेकर आओ, उसको भी बुला लो, काशिफ को भी क्या कर ले, आप भी खरीद लीजिए। और भाई का देखो भाई, मोटा पैसा छापने का ये धंधा है, आप लोग भी खरीद लीजिए। आपको अगर चाहिए तो भाई खरीद लो इधर से, प्लॉट है ना, अभी प्लॉट मिल रहा है, फ्लैट भी मिल रहा है, सिर्फ प्लॉट है। तो मतलब भाई मेन बिजनेस यही है, बाकी सारा टाइम पास, सब टाइम पास है। चलो अभी चलते हैं भाई, एज ऑलवेज स्कॉर्पियो कीलेस तो होते नहीं है, इसमें की लगाना ही पड़ेगा। तो भाई स्टार्ट हो गई अपनी गाड़ी, दिक्कत होता है पता है क्या, सारे गाड़ी में अलग अलग होते हैं ना, तो बहुत दिक्कत हो जाता है। चलो भाई थोड़ा लेते हैं इसका राइड, और भाई कैमरा दे देते हैं इसको, अभी सीट पे लगाना भूल ही गया, रुक जा। तो अभी आए भाई इसको राइड करना, और इतना हंसी इसलिए आ रहा ना भाई कि अभी ये लड़का इतना ज्यादा गाली दे रहा था, और मेरे तो कैमरा काट कर ही नहीं सकते भाई। हां सही बात है भाई, देखो गाली वाली वाला वीडियो में पापा को स्ट्राइक वगैरह आ गया तो बहुत डर लगा। नहीं अभी तो एकदम बच कर आने का, एग्रेसिव कंटेंट का स्ट्राइक आएगा इस बार अगर ऐसा हुआ तो।
तो भाई अभी कैसा रहा राइड बताना जरा? मजेदार मतलब स्कॉर्पियो का बात मतलब बोलो कि रफ एंड टफ नहीं भी ले जाओ और ओला काट के आ जाओ। बिल्कुल, तुम्हारा क्या था एक्सपीरियंस भाई? वरना चलाते चलाते स्कॉर्पियो में ऊंचा फील होता है, बढ़िया फील आता है। और भाई गड्ढा में कोई दिक्कत नहीं? और इससे तो पूछेगा भाई गाली, ड्राइवर आदमी है। हाँ, तो ऐसा सीन है। तो भाई जैसे कि भाई आपने देखा कि मैंने लिया भाई स्कॉर्पियो का राइड, भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। और जो नया वाला S5 है इसका मज़ा अलग है, मतलब एज़ कम्पेरेबल टू ओल्ड वन। और इधर लगी पड़ी है भाई इसकी वरना तो ब्लैक वरना बहुत गंदी हो रखी है। और इधर अपनी वैम भी लगी पड़ी है भाई, ये भी बहुत गंदी हो रखी है। तो अभी चलते हैं बाइक पे भाई, ये लोग जाएंगे घर पे। इनका घर तो थोड़ा दूर है, मेरा घर यहाँ से पास में, क्योंकि अभी हम लोग गांधी मैदान के पास। तो भाई इसे दिक्कत इसलिए नहीं होगी भाई, ये लोग गाड़ी से जाने वाले बड़े लोग भी, तो जहाँ से हम लोग आए हैं हाँ, तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ पे बिल्कुल पास में जाना है, मतलब 1.5-2 किलोमीटर मेरे यहाँ से घर। तो चलते मिलते फिर बाइक पे। सो एज पर नेम सर्वमेंट हॉस्पिटैलिटी, द फूड वॉज ऑल्सो गुड एंड इवन हॉस्पिटैलिटी वॉज ऑल्सो गुड। तो भाई मैं निकला अपने घर को एंड भाई ये लोग रहे इधर। तो ये लोग जाएंगे अनीशाबाद, काफ़ी दूर है भाई यहाँ से जाने में। चलो भाई चलते घर को। एंड गाइज अगर आपको ये रेगुलर वीडियोस पसंद आ रही है जो डेली वीडियोस मैं कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग तो भाई अभी कुछ है नहीं अपने पास करने को। ऑल द कोविड वगैरह जब से है तो भाई ज़्यादा मतलब हम लोग किसी से मिल भी नहीं रहे, लिमिटेड लोग से ही मिल रहे हैं। एंड इवन बहुत ही मतलब प्रिकॉशन ले रहे हैं, कोशिश करते हैं भाई कि व्लॉग से ज़्यादा भाई मतलब हेल्थ को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भाई व्लॉग के चक्कर में कहीं भी चले जाए, किसी भी मार्केट में या भी कहीं भी किसी वैसे प्लेस को जाकर एक्सप्लोर कर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, वैसा हम लोग नहीं करते भाई। थोड़ा सेफ्टी अपने हाथ में रखेंगे तो भाई आगे अपने लिए अच्छा होगा। देखो रात का टाइम हो चुका है, ऑल्दो 8 बजे यहाँ पे मतलब सब कुछ बंद हो जाता है, देख सकते हो सारे शॉप क्लोज है। बट रेस्टोरेंट में होता क्या, जगह अगर आप 8 बजे से पहले एंट्री ले चुके हो, ये चीज़ मतलब मेरे को पहले पता था तो मैंने सोचा था कि किसी दिन आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूँगा। क्योंकि भाई वीकेंड्स पे होता क्या ना, फैमिली लोग प्लान करते हैं भाई चलता है डिनर करने एंड ऑल। तो भाई देखो होता क्या कि 8 बजे से पहले अगर आप एंट्री ले चुके हो तो भाई जब तक आपका डिनर या फिर जो भी मतलब आपने ऑर्डर किया वो फिनिश नहीं होता तब तक आपको रेस्टोरेंट वाले नहीं निकालते। ऐसा मतलब मोस्टली सारे रेस्टोरेंट में है, बट कहीं कहीं होगा शायद नहीं, तो उसका मैं नहीं बता सकता, मतलब एश्योरिटी नहीं ले सकता। बट मोस्टली ऐसा है कि भाई अगर आपने ऑर्डर दे दिया तो आपका जब तक बेल वेल नहीं होगा तब तक भाई आप आराम से बैठ सकते हैं रेस्टो में। तो बस आज की वीडियो को गाइस इतना ही रखेंगे, शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। आई डोंट नो भाई आज का वीडियो कैसा बना है, क्या बना है, क्योंकि भाई बहुत सारा कुछ मैस्ड अप हो गया। बट यही जो था पूरे दिन मैंने किया वो आप लोग को मैंने दिखाया भाई, यही चीज़ शेयर किया। एंड अभी डेली व्लॉग्स में ऑलमोस्ट यही सब चीज़ आएंगे। एंड भाई सारा कुछ मेरे को अच्छे से याद है भाई, बहुत सारे बाइक के वीडियोज़ जो आपने डिमांड कर रखे वो सब माइंड में पहले से रखा हुआ है। बट अभी भाई जैसे ही मतलब ये स्ट्राइक प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएगा जो कि अपने ऊपर चल रहा है, मतलब 90 डेज़ है, तो भाई उसको भाई संभल के रहना है थोड़ा। तो उसके बाद फिर भाई बाकी के वीडियोस आएंगे जो आप लोग को पसंद है। अभी आई नो आप लोग को ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि भाई कहाँ मैं मोटो व्लॉग से सीधा लाइफस्टाइल व्लॉग में घुस गया, थोड़ा सा चेंजेस मतलब सडन हो गया, तो भाई सॉरी फॉर दैट। बट कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग आई नो समझ सकते हो, एंड अभी कुछ किया ही नहीं जा सकता इसका। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड या गाइज मिलते हैं फिर अगली व्लॉग में, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।